बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट कामरान हैदर और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल टीके कामरान। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस लेके हाजिर होता हूँ जिनको देखने के बाद आपकी जो लाइफ है वो ईजी हो जाती है। तो सेम उसी तरह आज भी मैं आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ जिसको यूज़ करने के बाद आपकी जो है ऐसी मुश्किल जो आपको पेश आती है कि आप अपने लैपटॉप से या अपने पीसी से अगर कोई भी एप्लीकेशन जो है उसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसको कैसे कर सकें। आज की वीडियो देखने के बाद आप इसे एबल हो जाएंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद ब खुद अपनी जो ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारा लैपटॉप में हम बहुत से एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करते रहते हैं और बाज़ दफ़ा हमको उनकी ज़रूरत नहीं रहती, तो उनको कैसे अनइंस्टॉल करना है वही तरीका आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल टीके कामरान को जो है सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल इसी तरह ये जो रेड जो आपको बटन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बेल का आइकन नज़र आ जाएगा, फिर आपने इस पर जो प्रेस करना है तो ऊपर ये आल का ऑप्शन आ गया तो आल पे आपने कर देना है ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो शुरू करते हैं। उसके लिए आपने जो है अपने डेस्क टॉप पर आना है। डेस्क टॉप पर आने के बाद जो है आपने अपना दिस पीसी वाला जो है या माई कंप्यूटर वाला ऑप्शन आपने खोलना है। तो जैसे आप इसको खोलेंगे तो आपका जो पार्टीशन है वो सारी आ जाएंगे जो जो आपने फोल्डर्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है कि बहुत ही आसान जो तरीका है वो आप ऊपर ये देख रहे हैं सेटिंग के पास ये लिखा हुआ है अनइंस्टॉल और चेंज अ प्रोग्राम। तो आपने सिंपली इसको क्लिक करना है और जैसे ही आपके सामने ये आ जाएगा तो आपकी सारी एप्लीकेशन जो आपने डाउनलोड कर रखी हैं वो इसमें आ जाएंगी। तो आपको इधर से वो बता देगा कि आप कौन सी जो है एप्लीकेशन आपने अनइंस्टॉल करनी, तो आपने उस पर सिंपली जो है ये राइट वाला जो बटन है इसको क्लिक करना है तो आपका जो है वो अनइंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो देखें इधर से मैं कोई भी एक एप्लीकेशन आपको अनइंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, सेम उसी तरीके से आप भी जो है अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं ये एप्लीकेशन जो क्रोम है इसको जो है ये क्या उसको बोलते हैं ओपरा मनी, इसको मैं जो है आपको अनइंस्टॉल करके बताता हूँ। तो इस पर मैं सिंपली जो राइट क्लिक करूँगा तो हमारे सामने अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ गया। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये हमसे पूछेगा कि आर यू श्योर यू, तो हम कहेंगे येस आई एम श्योर। तो ये देखें ओपरा मनी सिलेक्ट, ठीक है, डिलीट माई ओपरा यूज़र डाटा, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। इधर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ गया तो इस पर आप जो है क्लिक कर गए तो ये आपसे अब पूछ रहा है तो कंटिन्यू कंटिन्यू हमने कंटिन्यू करना है, इसको अनइंस्टॉल करना है। तो जैसे ही मैंने इसको किया तो वो अनइंस्टॉल होना शुरू हो गया। तो इसी तरीके से आप भी जो है जो एप्लीकेशन आपको नहीं चाहिए आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी के साथ। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।